नमस्ते, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसा अमेजिंग सा फेस पैक, फेस मास्क है जो कि आपके फेस को, मतलब आपकी फेस नहीं बल्कि आप इस जो भी मैं आपको मास्क शेयर करने वाली हूँ, आप इसको अगर अपनी पूरी त्वचा पर, कहीं भी अपने हाथ पैर घुटने कोहनी गर्दन पर या फिर अपने फेस पर अप्लाई करती हैं, तो वहाँ पर जो डेड सेल जमा हो गई हैं या फिर आपको बहुत कालापन जमा हो गया है, आपकी स्किन काफ़ी डल हो गई है, काफ़ी बेजान है, या फिर आपके काफ़ी जो दाग धब्बे नज़र आने लगे हैं, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो मेरा ये जो वीडियो है इसको पूरा आखिर तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो सबसे पहला दोस्तों, मैं जो इस वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूँ वो मास्क बना है दूध की मदद से। तो आपको यहाँ पर कच्चे दूध का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप कोई भी दूध ले सकते हैं। आपको जैसे कि मान लीजिए आपके फेस पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं या फिर आपको बहुत सा मुहासे की समस्या एक्ने हो जाती हैं और आपके वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप मेरी रेमेडी को ट्राई करके देखिए दोस्तों, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, बहुत नाजुक सी है, कॉमन सी है, तो आप इसका इस्तेमाल मत कीजिए। इसकी जगह मैं आपके साथ दूसरा वीडियो शेयर करूंगी, आप वो फॉलो कीजिए, ठीक है। तो जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन है, मतलब सेंसिटिव नहीं है, वो लोग इसको आराम से यूज कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले और कॉम्बिनेशन स्किन वाले, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है एक बाउल जिसमें आप ले लीजिए एक चम्मच रॉ मिल्क। अगर आप रॉ मिल्क लेते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आपके पास रॉ मिल्क नहीं है तो आप कैसा भी दूध ले सकते हैं, चलेगा। उसके बाद आप इसमें ऐड कीजिए आधा चम्मच सॉल्ट, जो हम सब्जी में डालते हैं वो सॉल्ट आपको इसमें ऐड करना है, और आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेनी है कॉटन, और कॉटन की मदद से आप इसे अपने माथे पर, चेहरे के चारों तरफ ही है इस एरिया में, नोज पर अच्छे से अप्लाई कीजिए। और आपको क्या करना है, इसको इस तरह से आप कोशिश कीजिए कि इसको मसाज की जाए, इस तरह से आपको ये मसाज करनी है। मसाज करने से क्या होगा, आपको जो भी ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं नोज पर, तो ये उसको साफ करेगा। इसके अलावा आपको जो भी माथे पर कालापन है, कैसे भी आपको दाग धब्बे हो गए हैं, तो ये उसको रिमूव करता है। दोस्तों, ये जो मास्क है बहुत ही अमेजिंग है, एक बार आप इसको ट्राई करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और हाँ, आप जब भी कोई भी मास्क अप्लाई कर रही हैं, कुछ भी अप्लाई कर रही हैं, उससे पहले अपने फेस को आप क्लीन जरूर कर लीजिए। क्लीन करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो भी डर्ट है, धूल मिट्टी गंदगी है, वो रिमूव हो जाए और आप जो भी अप्लाई करें उसका पूरा पूरा फायदा आपकी त्वचा को पहुंचे। इसके अलावा दोस्तों, आप जब भी कोई भी मास्क अप्लाई करती हैं तो उसके बाद अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज करना हमें नहीं भूलना चाहिए। त्वचा को हमें ज़रूर मॉइस्चराइज करना चाहिए, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए। इसके अलावा दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे जो कोहनी होती है या फिर उंगलियों के ये जो पार्ट्स होते हैं, काफ़ी जो है काले हो जाते हैं, काफ़ी डार्क नज़र आते हैं, तो आप इन पर अगर इस मिश्रण को रब करती हैं तो ये आपके यहाँ के कालेपन को रिमूव करेगा। जो भी डेड सेल्स हैं, मृत कोशिकाएं जमा हुई हैं, उसको हटाएगा। अक्सर क्या होता है कि जब मृत कोशिका, मतलब हम अपने चेहरे की या अपनी पूरी बॉडी की अच्छे से सफाई नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से मृत कोशिकाएं जमा होने लगती हैं। जैसे कि अगर माता है, आपकी त्वचा कहीं पर भी, गर्दन पर, घुटने पर मृत कोशिकाएं जमा होने लगती हैं, तो वो क्या होता है, वहाँ की त्वचा काफ़ी मोटी सी, भद्दी सी नज़र आने लगती है और त्वचा पर काफ़ी कालापन जमा हो जाता है। तो हमें हफ्ते भर में एक, या हमें कम से कम हफ्ते में एक बार अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से स्क्रब जरूर करना चाहिए, ताकि जो भी मृत कोशिकाएं हैं, डेड सेल्स हैं, वो रिमूव हो जाए और हमारी त्वचा अच्छे से खुलकर सांस ले सके। और दोस्तों, क्या होता है, स्क्रब करने से ये जो मिश्रण है, ये अच्छे स्क्रबर की तरह भी आपकी त्वचा पर काम करेगा। जो भी मृत कोशिकाएं, डेड सेल्स हैं, उनको रिमूव करेगा, काफ़ी अच्छे से एक्सफोलिएट करेगा आपकी त्वचा को। तो इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही नेचुरल है, आपके किचन में बहुत आसानी से मिल भी जाएगा और बहुत बेस्ट तरीका है। आप एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखिए। इसके अलावा दोस्तों, जब आप इसे अपने फेस पर, अपने लिप्स पर भी अप्लाई करते हैं, तो ये लिप्स के कालेपन को भी रिमूव करेगा। अपने हाथ पैर पर अप्लाई करती हैं तो इससे क्या होगा कि मसाज करेंगे इस मिश्रण से, तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है। ब्लड सर्कुलेशन जब इंक्रीज होता है तो त्वचा अंदर से ही ग्लो करती है, नई सेल्स का निर्माण होने लगता है, और जो है आपकी जो स्किन में जो भी सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं, वो रिपेयर होने लगती हैं काफ़ी, तो स्किन जो है एकदम जमा बनती है और बहुत ही ग्लो करती है। तो आप एक बार इस मिश्रण से मसाज करके देखिए, आपको हफ्ते में करीबन एक बार या फिर दो बार आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बट अगर आप इसको फेस पर, अपने गालों पर या फेस पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो आप इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको सनटेन है, धूप की वजह से कोई भी दाग धब्बे हैं, तो ये उनको भी रिमूव करेगा। दोस्तों,
तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर वीडियो मेरा आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। साथ ही आपको जो भी क्वेरी है, कमेंट्स करना चाहते हैं आप कुछ भी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।